अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आए प्रिंस होटल ख्योरो के अंदर। और ये प्रिंस होटल ख्योरो जो है ये मैरिज ग्रुप का मेंबर है और मैं इनका मेंबर भी हूँ। और आज हम दिखाते हैं आपको कि हमें चेक इन में कैसा रूम मिलता है और कहाँ मिलता है। तो चलते हैं प्रिंस होटल ख्योरो। कोनिच्चिवा हाय। Been like my fourth or fifth stay here. चौथी पांचवी दफ़ा मेरा स्टे यहाँ का। आपको रूम जो है वो आपको फिर सरप्राइज दिखाते हैं कि रूम कैसे होते हैं यहाँ के और कितने अच्छे होते हैं। लाउंज भी लेके चलेंगे फिर आपको और भी यहाँ पे दिखाएंगे काफ़ी जगह। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं चेक इन के लिए और रूम जो है वो आपके लिए सरप्राइज है। तो आज आपको ख्योरो प्रिंस होटल का स्वीट रूम दिखाते हैं। अच्छा, ये आपके भाई का लाइफ स्टाइल है अल्हम्दुलिल्लाह, और ज़िंदगी को इस तरह एंजॉय कर रहे हैं कि अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपनी जितनी भी हॉबीज़ हैं उनको पूरा करते हैं, और यही ज़िंदगी का मज़ा है जी। चलते हैं अपना 755 पे, 735। और ये आ गया है हमारा 755। जी दोस्तों, सबसे पहले ये है जनाब टॉयलेट, और ये अपने वॉशलेट खुद ब खुद ओपन होता है, खुलता है। ये इसके सारे बटन्स हैं। यहाँ के बाद आइए, ये इनका लिविंग ड्राइंग सॉरी लिविंग रूम। और लिविंग रूम जो है, इसके बाद चलते हैं हम वन मोर रूम। ये आ गया है इनका बेडरूम। अच्छा, जो लास्ट टाइम में आया था वो रूम थोड़ा डिफरेंट है, जो स्वीट रूम था इनका। ये इनका बाथरूम है, इसके साथ यहाँ पे एक टॉयलेट और है, फिर यहाँ पे ये इनका शावर रूम भी है। ओके, ये सारी इनकी इम्यूनिटीज हैं काफ़ी सारी। यहाँ से अब व्यू दिखाते हैं आपको। अच्छा, ये कैबिनेट है आपके लिए सामान रखने के लिए, ये आपके बाथरूम्स हैं। और ये यहाँ का ब्यूटीफुल व्यू है। तो दोस्तों, ये है लाइफ स्टाइल। मैं आज तक जितने भी जापान के बड़े बड़े होटल्स हैं, तकरीबन जितना मैंने स्टे किया है, शायद किसी और शख्स ने यहाँ पे, किसी और बंदे ने इतना स्टे किया हो इतने स्वीट रूम्स के अंदर। और क्योंकि हॉबी है और अपनी हॉबी को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से बिल्कुल सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि अच्छी से अच्छी जगहें आपको दिखाएँ। ये भी कोई इतने महंगे नहीं होते, होते हैं ठीक है, इनकी एक प्राइस रेंज हायर होती है क्योंकि ये स्वीट रूम्स हैं। आप इसके प्राइस के अंदर तकरीबन चार कमरे जो हैं या पांच कमरे जो यहाँ पे वो आप ले सकते हैं। इसकी प्राइस कितनी है ये सीज़न वाइज डिपेंड करती है। आज कितनी थी ये बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता। तो कोशिश ये है कि आपको अच्छी से अच्छी जगह दिखाई जाएँ जापान के अंदर, और अच्छे से अच्छे होटल के अंदर आपको यहाँ के व्यूज़ दिखाए जाएँ कि कैसे हैं कैसे नहीं हैं। ये है जी यहाँ का लाउंज। अभी आफ्टरनून टी का टाइम है, और आफ्टरनून टी का टाइम है तो अभी हम आए हैं अपना आफ्टरनून टी के लिए इधर लाउंज के अंदर, और देखते हैं क्या क्या रखा हुआ है। ठीक है ना, सैंडविचेज़ हैं, मराकुनी हैं, या आपके ड्रिंक्स हैं। अच्छा, और ये सारी लाइट स्नैक होती हैं आफ्टरनून टी के अंदर ना। ओके गाइस, सो ये है यहाँ का लाउंज ख्योरो प्रिंस का। इवनिंग कॉकटेल में हम लोग बैठे हुए हैं, लाइट फूड है, थोड़ी ड्रिंक्स हैं। सारे दिन की शूटिंग के बाद यहाँ पे रिलैक्स मिल रहा है।
मैंने तकरीबन पहले भी आपको बोला कि जापान के जितने भी मैरियट शेरेटन और हिल्टन ग्रुप के होटल हैं, जितने भी एक्सपेंसिव स्वीट रूम हैं, सब मैं स्टे कर चुका हूँ। और जितना मैंने स्टे किया है, शायद ही कोई दूसरा बंदा इतना कर सका होगा मेरे ख्याल से। बाकी जहाँ तक मैं जानता हूँ, अपने ग्रुप में, सर्कल में दूसरे पाकिस्तानी कम्यूनिटी और दूसरी कम्यूनिटीज़ को इतना ट्रैवल कोई भी नहीं करता या इतना स्टे कोई भी नहीं करता। एनीवे, होटल की डिटेल्स आपको नीचे मिलेंगी। हर सीज़न में प्राइस अलग होती है। इस सीज़न में जब हम आए हैं तो जिस रूम में मैं ठहरा हूँ, इसकी प्राइस पर नाइट जो है जू यूमान तकरीबन 140,000 यन के हिसाब से है अभी ना। और अगर आप लो सीज़न में आएंगे हो सकता है, और कम लो सीज़न में मेरा ख्याल आधी हो जाती है शायद ना, 8-9 के करीब हो जाता है। तो स्वीट रूम के लिए नॉर्मल रूम की प्राइस वो डिपेंड करती है ऑन सीज़न ऑल्सो ना। तो गाइस, इस वक्त मैं खा रहा हूँ ये थोड़ी सी सब्ज़ी है इसके अंदर लाउंज में, और क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो कि हलाल हैं यहाँ पे। ये जो है ये डक है, ये बत्तख का गोश्त है, खामू का ना, सॉरी अपना मुर्गाबी का गोश्त है। सुबह का खूबसूरत नज़ारा, कुदरती नज़ारे के साथ कुदरती ब्रेकफास्ट। टाइम मिले तो मेरे दूसरे होटल्स भी चेक कीजिएगा, वीडियो भी चेक कीजिएगा। आजकल क्योटो के अंदर हूँ तो क्योटो की ब्यूटीफुल ऑटम वीडियोज़ हैं, इसको देखिएगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।